दोस्तों बचपन में एक बात पढ़ी थी हमने कि जहाँ पर इज्जत ना मिले ना वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन आलिया भट्ट ये करना भूल गई। सबसे पहले आलिया मूवी का हिस्सा बनी जो कि एक विलन का रोल था, अच्छी बात है, बड़ा रोल है, लेकिन कांग्रेचुलेशन, आपकी पहली हॉलीवुड मूवी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। दूसरी चीज, उन्होंने प्लान किया एक साथ प्रमोट करना, जब देखो यार गैल गैलोट है, नाम शायद गलत बोल दिया होगा दोस्तों, कमेंट में आप ठीक करके बता दीजिएगा मुझे। जब वो इंटरव्यू दे रही है तो तुम बीच में काहे बोल रही हो और तुम्हें पूछेगा भी कौन, भाई बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। करीब करीब 8-10 इंटरव्यू में आलिया उनके साथ थी, और भाई तुम देखो धनुष भी रायन गोसलिंग के साथ थे, क्रिस इवॉन के साथ थे, लेकिन वहाँ पर एवरीबडी वॉज अप्रिशिएटिंग धनुष, सारे के सारे लोग धनुष की तारीफ कर रहे थे कि बड़ा गाय, और हिस्सा बना रहे थे धनुष को कास्ट का। और यहाँ पर आलिया को भाई इतना इग्नोर मारा, उसके क्वेश्चन के जवाब जा रहे थे जब आपस में बात कर रहे थे, और जब उनसे बात हो रही थी तो आलिया को इस तरीके से इग्नोर कर दिया कि वो टीम का हिस्सा है कि भी नहीं। और सुनने में आ रहा है कि आलिया वांटेड कि वो गैल को हिंदुस्तान लेकर आए मूवी प्रमोट के लिए, जिस तरीके से रूसो ब्रदर्स को धनुष लेके आए थे प्रीमियर के ऊपर अपने रायन गोसलिंग के साथ प्रोडक्ट के लिए। भाई उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही तेरे साथ। भाई बहुत बुरा हुआ यार आलिया के साथ। भाई आर यू फीलिंग फॉर आलिया? यस, देन कॉमेंट करके बताओ कि भाई ये हवाबाजी करनी जरूरी थी, है अपना बॉलीवुड में काम कर लेती जब इज्जत ना मिल रही तो बाहर।